Hey Korean Jagger viewers, this is Megha Bansal और आज हम बात करने वाले हैं Hidden Love के episode 24 की. So, let's get started. Zee यार रोते हुए पूछती है कि तुम मेरे साथ हमेशा रह सकते हो? जाशु स्टार नोट्स देखकर हंसकर रोते हुए कहता है, तुम इसे फोल्ड कैसे करती हो? मुझे नहीं आता. जी भी रोते हुए फोल्ड करती है. जाशु उसके आंसू पोंछकर कहता है, इन स्टार्स को मैं अच्छे से संभाल के रखूंगा. वो जी को पकड़ के कहता है, मैं अब क्या करूँ बताओ तुम, मैंने तुम्हें कई बार रुलाया है. वो उसे हक करके कहता है, ओके मुझे सब समझ आ गया है, बट तुमने ये एकदम से सब कुछ मुझे क्यों बताया? जी कहती है, बस मैं आपको बताना चाहती थी. जाशु कहता है, तो इस बार मेरी कोई रूमर गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी एक ही ऑफिशियल गर्लफ्रेंड है. सो तुम यही बताने के लिए यहाँ यही आई हो? जी कहती है, आपने कहा था मैं कुछ सोच रहा हूँ, सो इसलिए मुझे लगा आप उससे ब्रेकअप करने की सोच रहे हैं. वो रोते हुए कहती है, इसलिए मैं आपके सामने आपसे बात करना चाहती थी. जाशु पूछता है, क्या? वो हंसते हुए कहता है, तुम क्या सोच रही थी? अगर तुम्हारी फैमिली नहीं मानती तो मैं चुरा के तुम्हें अपने साथ ले जाकर मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेता. हम सीरियस? जी कहती है, मुझे चुराने की क्या जरूरत है? जाशु कहता है, मुझे डर है कि कहीं तुम भाग ना जाओ. और सब मैं सोच रहा हूँ, उसका कहने का मतलब ये था कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ बिताऊँ या फिर नानमू में जाकर वहाँ सेटल हो जाऊँ, ताकि तुम ग्रेजुएट के बाद वहाँ रह सको. क्या सोच रहे थे तुम? जी कहती है, तो ये बात थी. वो एम्बैरस होकर कहती है, मैं यही मैं रुक सकती थी, हम डिस्कस कर सकते थे, तुम्हें हर बार मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं. जाशु हंस के कहता है, तुम वाकई में यहाँ रुकना नहीं चाहती? अगर मैं तुम्हारे लिए नहीं करूँगा तो मैं किसके लिए करूँगा? अब तुम्हें यहाँ रुककर पढ़ना है, किसी और के तुम अब चिंता मत करो. इम्पोर्टेंट ये है कि बस तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम बिताओ, ओके? जी एग्री करती है. जाशु कहता है, रही बात तुम्हारे पेरेंट्स की चिंता की, तो तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उनसे बात कर लूँगा, तो अब तुम स्माइल करो. जी स्माइल करती है. जाशु उसे हग करता है. बाद में जाशु जी की बातें याद करता है कि जी उसे कब से लव करती है. उसे सभी फ्लैशबैक याद आते हैं. वो बैठकर सोचता है, तभी जी आकर पूछते, तुमने क्यों पी? क्या हुआ? मैं कुछ लेकर आती हूँ. जाशु जी का हाथ पकड़ के कहता है, क्यों सोकर उठी तुम? जी पूछती है, मूड खराब है क्या तुम्हारा? जाशु कहता है, मुझे लगता है मैंने तुम्हें बहुत बैड ट्रीट किया. जी पूछती है, कब किया तुमने? या फिर इसलिए जो मैंने आज तुम्हें एयरपोर्ट पे बताया, मैं बस तुम्हें ये सब बताना चाहती थी, क्योंकि मैंने तुम्हें ये पहले नहीं बताया, बट मैं नहीं चाहती तुम उसकी वजह से कुछ बुरा फील करो. तुम मुझे पहले भी और अब भी अच्छे से ट्रीट करते हो, सच में. जाशु कहता है, जी आई लव यू बट आई एम सॉरी, मैंने बहुत लेट कहा. इतने सालों में मैंने तुम्हें दुखी किया, तुम्हारे प्यार के आगे मैं लायक ही नहीं हूँ. मेरे अंदर बहुत कमियाँ भी हैं, बट अब जो भी हो मैं अपना बेस्ट दूंगा. जी जी मैं तुम्हें रिग्रेट करने का मौका भी नहीं दूंगा, जो भी तुमने चॉइस किया है. आई लव यू जी. दोनों में किस हो जाती है. यहाँ जी रूलान को अपने ड्राइंग कंपटीशन की थीम बताती है कि मुझे अब वो मिल गई है. शिन पूछती है, मैंने कहा था ना मूड रिफ्रेश करके आओ, तुम्हें आइडिया जरूर मिलेगा. वह आइडिया पूछती है बट जी कुछ भी नहीं बताती. यहाँ शुन सियोन को गिफ्ट देता है, तभी जाशु आकर इन्फॉर्म करता है कि मैं अब रिजाइन करना चाहता हूँ. दोनों शॉक होकर रीजन पूछते हैं. जाशु कहता है, मैं नानमू में जाकर वहाँ सेटल होना चाहता हूँ. सियोन कहती है, अभी तो टाइम है ना जी के ग्रेजुएट होने में. शुन भी सोचने को कहता है. जाशु कहता है, मैंने बहुत सोचा, लेकिन अभी बीते दिन इतना कुछ हुआ है, मुझे लगता है मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया. उसके पेरेंट्स अपसेट है इस रिलेशनशिप को लेकर, बट वो फिर भी मेरी साइड ले रही है. मैं उसके पेरेंट्स की कंसर्न को सब समझता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ, सो मुझे ही ये सब सॉल्व करना होगा. जब मैं नांगो में जाकर सेटल हो जाऊंगा तो मुझे वहाँ अपने आप को प्रूव करने की चांसेस और भी मिल जाएंगे. शुन भी सपोर्ट करता है. सियोन कहती है, तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि नानवो में तुम्हें बहुत सारी कंपनी आराम से ले लेंगी. क्यों ना तुम हेडक्वार्टर से हेल्प मांगकर खुद का वहाँ स्टूडियो खोल लो, वो तुम्हें सपोर्ट भी करेंगे. शुन कहता है, कंपनी में ये पॉलिसी है, बस हमें हेडक्वार्टर से डिस्कस करना होगा. जाशु एग्री करके उन दोनों को थैंक्स कहता है. सियोन और शुन दोनों जाशु के काम और ग्रोथ को लेकर उसकी तारीफ करते हैं. वो उसे बेस्ट विशेस देकर सपोर्ट करने को कहते हैं. जैसे ही जाशु बाहर आता है उसे कॉल आ जाता है. यहाँ जाशु को डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारे फादर के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तुम अपने टाइम की वैल्यू करके उनके साथ आखिरी पल बिता लो. जाशु अपने फादर के पास बैठा होता है. वो उनसे कहता है, इंसिडेंट को गुजरे बहुत टाइम बीत गया, मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता था, बट आज मुझे ये सब सोचना पड़ रहा है. अगर आप उस वक्त नहीं कूदते और पेनल्टी ले लेते तो आप आज शायद रिलीज भी हो जाते. बहुत सारी बातें हैं जो मैंने तुम्हें नहीं बताई. तुम्हारा कर्जा हमने सब चुका दिया,
मेरी मदर कुछ साल पहले ही सिर्फ तुम्हारी वजह से चल बसी, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। उन्हें पता था कि वो बीमार है, पैसे बचाने के लिए वो हॉस्पिटल भी नहीं गई। लेकिन जब गई तो काफी देर हो चुकी थी। मैं चाहता था तुम उठकर ये सब देखो कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। मैं तुम्हें गिल्टी और पेन में देखना चाहता था। अगर तुम उस वक्त नहीं भागते और पनिशमेंट को फेस करते तो शायद आज हमारी जिंदगी कुछ अलग ही होती। बट मैं तुम्हें अब थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं अब ड्रिंक बिल्कुल नहीं करता और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ आ गई। मैं अच्छा इंसान तो नहीं, पर जिसे मैं प्यार करता हूँ उन्हें तो मैं बचा ही सकता हूँ। काश तुम ये सब देख पाते। अगर तुम ऊपर जाओ तो मॉम से सिंसियरली माफ़ी मांग लेना। डैड आप रेस्ट करो। तभी उसका डैड अपनी उंगली से इशारा करता है, जाशु देखता है। डैड अब जा चुके होते हैं। जाशु उनका हाथ पकड़ कर रोता है। जैसे ही वो बाहर आता है जी पैटी होती है। वो जाशु को देख कर समझ जाती है कि डैड अब नहीं रहे। वो उसे हग करने के लिए हाथ बढ़ाती है। जाशु उसे हग करके खूब रोता है। जी कहती है मैं जानती हूँ कि तुम सैड हो। जाशु कहता है क्या मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स अब यहाँ मेरे साथ क्यों नहीं है। वो रोता है, जी उसे संभालती है। बाद में दोनों जाशु की मदर के ग्रेवयार्ड में पहुँचते हैं। वहाँ वो जी को एज अ गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस कराता है। वो कहता है मैं नानपू में सेटल होने वाला हूँ, पर आप चिंता मत करो, मैं हर साल मिलने आऊंगा। और अब डैड भी नहीं रहे, तुम चिंता मत करो, मैंने उनके लास्ट विशेस भी पूरी कर दी। क्या तुम दोनों ऊपर मिल लिए हो, बस आप दोनों ऊपर खुश रहना। वो ग्रीटिंग्स देता है। बाद में जी अपना इंट्रोडक्शन देकर कहती है आप जाशु की चिंता मत करना, वो बहुत काइंड और आउटस्टैंडिंग है, वो लोगों को सिंसियर और अच्छे से ट्रीट करता है। ये पढ़ाई में एक्सीलेंट थे और काम में भी बहुत अच्छे हैं। मेरी फैमिली और सभी के नजरिए के साथ ये बहुत बेटर पर्सन है। बुरा हुआ इनके साथ, पर इन्होंने गिव अप कभी नहीं किया, बल्कि उल्टा और हार्ड वर्क करके सभी कुछ झेला। जाशु रोता है। जी कहती है आप चिंता मत करो, मैं इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, मैं मेक श्योर करूंगी कि ये हमेशा हर रोज खुश रहे। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद जाशु को कभी कोई बुली नहीं कर पाएगा। फ्यूचर में इनकी फैमिली होगी जो इनसे बहुत प्यार करेगी। हम सभी इन्हें प्यार देंगे, इसलिए ये कभी अकेले नहीं होंगे। जाशु रोता है। जी कहती है अगर तुम रोगे तो मदर को लगेगा कि मैं तुम्हें बुली कर रही हूँ। जाशु कहता है धुआं चला गया आंखों में बस इसलिए, बट तुमने मेरी मदर को प्रॉमिस किया है कि तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करोगी। जी एग्री करके जाशु को गले लगाती है। बाद में दोनों बाइसिकल राइडिंग पे जाते हैं। दोनों मजे और मस्ती में जाते हैं। जी आगे बढ़ती है। जाशु हंस के मन में कहता है जो लड़की मेरे पीछे बैठा करती थी आज वो बहुत बड़ी हो गई है, जो हमेशा मेरे साथ रहेगी भी और साथ चलेगी भी। उसने मेरा तब साथ दिया जब मैं अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, बल्कि वो लीड करके मेरे साथ आगे बढ़ी है। वो खुश होता है। जी मस्ती करती है। दोनों बाद में सी साइड में खड़े होते हैं। जाशु जी को बताता है कि मैंने रिजाइन दे दिया है। जी कहती है क्यों, मैंने कहा था ना आपको मेरे लिए नानवू में सेटल होने की जरूरत नहीं है। जाशु कहता है जरूरत है, ताकि जब तुम ग्रेजुएट होकर वापस नानवू में आओ, वहाँ हम अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर पाएंगे। तुम्हारी फैमिली भी वहाँ है और जहाँ तुम वही मेरा घर है। तुम्ही ने तो कहा था सब बुरा खत्म हो चुका है, अब अच्छी चीज की बारी है। सो हमें अब अपने फ्यूचर की सोच रहा है। जी पूछती है कब जा रहे हो। जाशु कहता है हैंडओवर प्रोसीजर के एक महीने के अंदर। जी कहती है इतनी जल्दी। जाशु पूछता है तुम हिचकिचा रही हो। जी मना करती है। जाशु कहता है तुम चिंता मत करो, हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज होंगी। जी उसे हग करती है। यहाँ जाशु सामान पैक करता है। जी उसके लिए डिश बनाती है। जाशु जी और अपनी फोटो बैग में रख के जी के पास पहुँचता है। जाशु जी की डिश बनाने में उसकी हेल्प करता है। बाद में वो उसे बैक हग करके कहता है यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। जी कहती है अगर तुम ज्यादा मिस करोगे तो मेरी फेवरेट कैंडी खा लेना, या फिर मेरा सॉफ्ट टॉय पोलर बेयर साथ में ले जाना। जाशु पूछता है अगर मैं चला जाऊंगा तो तुम क्या करोगी। पोलर बेयर मैं यहीं छोड़ दूंगा, अगर तुम मुझे मिस करोगी तो सोचना मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी एग्री करती है। जाशु पूछता है क्या तुम चाहती हो। जी पूछती है क्या सोच रहे हो तुम, जाओ आराम करो। जाशु उसे पकड़ के पूछता है क्या मैं कर सकता हूँ। जी गैस बंद कर देती है। जाशु उसे किस करता है। वो उसे उठाकर ले जाता है। दूसरे दिन जी जाशु को एयरपोर्ट छोड़ने आती है। वो उससे फेविकॉल की तरह चुपकी होती है। जाशु कहता है ओके मैंने कैब बुक कर दी है, तुम वापस जाकर मुझे कॉल करना। एयरपोर्ट दूर था फिर भी यहाँ इतनी दूर आई तुम। जी कहती है मैं तुम्हें छोड़ने क्यों नहीं आती, मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। वो उसे हग करती है। जाशु कहता है मैं जानता हूँ, बट तुम चिंता मत करो, जब भी टाइम होगा मैं तुमसे मिलने वापस आऊंगा, तुम्हें ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा। जी कहती है जब तुम आ जाओ
टाइम पे खाना और किसी भी चीज की चिंता मत करना, बस अपने काम पे फोकस करना। अगर बिजनेस स्टार्टअप फेल भी हो जाए तो मैं हूँ ना, जाशु बोलता है। मतलब जी कहती है मैं सपोर्ट करूंगी तुम्हें, जाशु कहता है मैं भी देखता हूँ। वो कहता है अब मैं चलता हूँ, ओके मुझे मैसेज करना, बाय। वो जैसे ही आगे बढ़ता है जी उसके पीछे चलती है। जाशु मुड़ के कहता है वापस जाओ, बाय। वो आगे फिर से बढ़ता है, जी फिर से उसके पीछे चलती है। जाशु इस बार रुक के उसे हग करता है। जी कहती है मैं छोड़ने चलूं क्या, जाशु आंसू पोंछकर कहता है ओके चलो। जी बैग पकड़ के आगे बढ़ती है। जाशु कहता है बस यहीं तक, अब मैं वाकई में चलता हूँ। वो उसे बाय कहकर चला जाता है। जी भी उसे बाय कहती है। जी की आंखों में आंसू होते हैं। एपिसोड के एंड से पहले एपिलॉग में दिखाया जाता है जी और जाशु एक रेस्टोरेंट में खाते हैं। जी उसे देखती है। जाशु पूछता है क्या हुआ, कुछ कहना नहीं चाहती हो तुम? जी कहती है जब तुम नानवू में जाओगे रोज वीडियो कॉल करोगे। जाशु एग्री करता है। जी पूछती है तुम्हें ये बर्डन तो नहीं लगेगा ना? जाशु पूछता है तुम्हें लगेगा क्या? जी मना करती है। जाशु कहता है तो मुझे भी नहीं लगेगा। जी फिर से क्वेश्चन पूछती है। जाशु भी सब देख के समझ जाता है। वो पूछती है हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे होंगे तो क्या हम एनिवर्सरी मना सकते हैं, जैसे छुट्टियों में तुम मेरे पास मिलने आ जाओ या फिर मैं तुम्हारे पास मिलने आ जाऊं? जाशु एग्री करता है। जी फिर से क्वेश्चन देखती है। जाशु भी देखता है। जी पूछती है अगर हमारा आर्गुमेंट हो गया तो हम नहीं लड़ेंगे, बट अगर हम लड़ भी लिए तो कोई साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं, कोई गायब वाली बात भी नहीं, और हम उसी दिन बात सुलझा लेंगे। जाशु एग्री करता है। जी फिर से कहती है हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे। जाशु उसका फोन छीन के पकड़ के कहता है गाइड टू मेंटेनिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, वो ये पढ़ता है। जी महाना मारती है। जाशु पूछता है तो तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं? जी मना करती है। जाशु कहता है बट मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम्हारा गाइड बहुत अच्छा है, हम उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। जाशु उसकी कॉपी मांगता है और उसकी गाइड की तारीफ करता है। जी उसे भेज देती है। जाशु सब पढ़ता है। जी उसके रीजंस एक्सप्लेन करती है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब कोरियन जगया चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज कोरियन जगया एज वेल एज इंस्टाग्राम अकाउंट कोरियन डॉट जगया। थैंक यू।